समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाली अपर्णा यादव को लेकर ये खबर जोरों शोरों से सुनने में आ रही है कि अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट से बीजेपी उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन फिलहाल अपर्णा के खिलाफ बीजेपी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी ने बड़ा बयान दे दिया है। बीजेपी एमएलए ने अपर्णा यादव को चुनौती देते हुए कहा, इस सीट से चुनाव तो मैं लड़ूंगा। ये बयान अपर्णा के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी विधायक सुरेश चंद्र तिवारी ने कहा, इस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और टिकट मुझे ही मिलेगा। अपर्णा यादव यहां से चुनाव नहीं लड़ेंगी। सुरेश चंद्र तिवारी के इस बयान को लेकर ना तो अब तक अपर्णा यादव ने कोई टिप्पणी की है, ना पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। आपको बता दें, साल 2017 में इस विधानसभा क्षेत्र से प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ा था। उन्होंने ही अपर्णा यादव को हराकर कैंट सीट पर कब्जा किया। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में रीता बहुगुणा जोशी को पार्टी ने प्रयागराज से टिकट दिया। प्रयागराज से रीता ने जीत हासिल की। कैंट विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में सुरेश तिवारी ने एसपी के उम्मीदवार को दोबारा हराया और जीत हासिल की। माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल अपर्णा इसी शर्त पर हुई हैं कि उन्हें कैंट से टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब सुरेश चंद्र तिवारी ने ये बात साफ कर दी है कि कैंट से मैदान-ए-जंग में वही उतरेंगे। अब देखना होगा अपर्णा की राजनीति पर बीजेपी क्या नया फैसला लेती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन की रिपोर्ट।